हेलो फ्रेंड्स, आपको ये कुरमई पापड़ देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। और देखिए, एक पापड़ मैंने डाला है, कितना खिला खिला ये निकल रहा है। अपने साइज से 3 गुना ये बन चुका है, देख रहे हैं आप। एकदम टेस्ट में लाजवाब और क्रंची। देखिए, एक और डाला मैंने, और देखिए अपनी जो साइज, जिस साइज का मैं डाल रही हूँ उससे 3 गुना हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरीके के चूरा बोलिए या पोहा बोलिए, पोहे का पापड़ बनाने के लिए तैयार है, जो घर में ही आसानी से बन जाता है। साइज में देखिए, इधर मैंने एक पापड़ रखा है और इधर तला हुआ पापड़ रखा है, कितना फर्क है। और खाने में बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ। आवाज़ सुनिए इसकी, एकदम क्रंची कुरकुरा। तो आइए इस रेसिपी को बनाते हैं। मैंने ये 150 ग्राम पतला पोहा ले लिया है, यानी चूरा ले लिया है, और इसको इस तरीके से चालनी वाले बर्तन में निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। चालनी वाले बर्तन में इसलिए निकाल रही हूँ ताकि इसमें से पानी आसानी से निकल जाए। अगर आपके पास इस तरह से चालनी है तो उसको लीजिए, अगर आपके पास चालनी का कोई बर्तन है तो उसमें लीजिए, या फिर आप कपड़े में भी ले सकते हैं कॉटन के। तो देखिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इस तरीके से हल्का उसको मल रही हूँ ताकि सब जगह पानी चल जाए, उसकी डस्ट पानी के साथ बाहर निकल जाए। तो देखिए, इस तरह से छपाछप मैंने उसको धो लिया है और इस पानी को हम फेंक देंगे फ्रेंड्स। अभी पोहे में से पानी निकल रहा है तो चालन को इसी तरह रख देंगे, जितना पानी निकलना रहेगा वो पूरा पानी इस बर्तन में निकल जाएगा, और ढक देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और 15 से 20 मिनट के बाद आप देखिए ये किस तरह से फूल चुका है, और मैंने इसको पलटी करके निकाल लिया है, दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, निकाल लेंगे। देखिए, एकदम अच्छे से ये पोहा फूल चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं 1 चम्मच पापड़ खार डाल रही हूँ और 1 चम्मच इसके अंदर नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार, और कुछ इसमें मैंने ऐड नहीं किया है फ्रेंड्स। तो अब इसको हम अच्छे से मल लेंगे चारों तरफ से, हाथ घुमाते हुए, जिस तरह से मैं चारों तरफ से हाथ घुमाते घुमाते इसको मल रही हूँ, इतने अच्छे से मलना है कि एकदम स्मूथ हो जाए, इसमें मतलब पोहा दिखाई नहीं दे अखा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है, जिन लोग भी चैनल पे पहली बार है, नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये आसान रेसिपी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, जो देखने में सुंदर, खाने में लाजवाब है और बनाने में एकदम आसान है फ्रेंड्स। तो देखिए, अच्छे से मैंने इसको मल लिया, और 2-3 बूंद मैंने तेल लिया था, और तेल हाथों में लगा कर इस तरह से गोला कर रही हूँ। अब इसके इस तरीके से बड़े बड़े जितने भी लड्डू बन जाए, 4-5 बनाकर रख लूँगी फ्रेंड्स, उससे क्या होगा, आसानी होगी हमारे लिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, बनाना एकदम आसान है ना, ना तो इसको मैंने उबाला है, ना तो गर्म पानी इसमें ऐड किया है, और न ही मैंने पहले से भिजा के रखा था। सिर्फ आपका पूरा समय लगने वाला, इसके अंदर 30 मिनट में आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, 30 मिनट में फ्रेंड्स, और उसमें भी 20 मिनट ये रेस्ट पे ही जा रहा है। 15 से 20 मिनट आपको पोहे को रेस्ट देना है, बस इतना ही। तो देखिए, बातें करते करते हमारी ये 5 से 6 गोले तैयार हो गए हैं। अब जब आपके पास इस तरीके का साँचा होगा, देखिए मार्केट में इस तरीके का साँचा अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो ये बड़ा वाला जो साँचा है इसके अंदर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे फ्रेंड्स, और इस तरीके से रखते हुए इसको बंद कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसा साँचा नहीं है तो आपके पास छनोटा होगा, आप उसमें भी ये रेसिपी बना सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसमें थोड़ा अलग बन जाता है, लेकिन आप इसमें बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से देखिए, मैं इसके अंदर ये 1 गोला डाल रही हूँ, दूसरा गोला भी मैंने लिया। देखिए, ये पूरा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा इसमें से निकाल देंगे फ्रेंड्स, और इसको अब बंद कर देंगे इस तरीके से।
ये तो आप लोग को पता ही होगा और बहुत आसान रेसिपी है। मैं सच बता रही हूँ, जितना टाइम दिख रहा है ना उतने टाइम में ही ये रेसिपी तैयार हो रही है फ्रेंड्स। मेरे बोलने से ये रेसिपी घर में जरूर बना के ट्राई कीजिए, आसानी से घर के अंदर ही सूख जाएगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो देखिए, एक प्लास्टिक मैंने बिछा दिया है और थोड़ा थोड़ा तेल सब जगह मैंने डाल दिया है। जो भी तेल आप खाते हैं उसको डाल दीजिए और इस तरीके से हल्के हाथों से फैला दीजिए, आपको एक जगह नहीं फैलाना। और ये जो साँचा है हमारा, ये देखिए बहुत आसानी से उसमें से निकल रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है, जोर नहीं लग रहा है। एक बार इसको राउंड घुमाना है और इस तरीके से तोड़ लेना है, फिर दबाना है और इस तरीके से तोड़ लेना है। फ्रेंड्स दिख रहा है ना आपको, एकदम आसान रेसिपी है ये। इस तरीके से घुमाया और तोड़ लिया, एक राउंड पूरा करना है फ्रेंड्स, दो तीन राउंड नहीं पूरा करना है, नहीं तो सूखने में बहुत टाइम लगेगा। तो घर के अंदर हम बना रहे हैं बिना धूप के भी इस रेसिपी को, तो आप इस तरह से एक ही बार उसको राउंड कीजिए। देखिए ये जितना हमारा पोहा था इतना ये मैंने इस तरीके से ये कुरमई पापड़ बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसको फैन के नीचे ही सूखने देंगे। तो देखिए ये 3-4 घंटे में इस तरीके से सूख चुका है और इसको पलटी करें। तेल लगाने की वजह से प्लास्टिक के ऊपर से कितनी आसानी से ये छूट गया, कहीं ना चिपका है ना कुछ हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स दिख रहा है ना कितनी आसानी से निकल गया ये। तो बस इसी तरीके से पूरे पापड़ को हम पलट देंगे, देख लीजिए। और ये 2-3 दिन मैंने इसको धूप में अपने घर के अंदर ही बालकनी में दिखाया है, थाली में रखकर किस तरीके से सूख के एकदम पापड़ी बन गया है, दिख रहा होगा आपको, एकदम देखने में सुंदर लग रहा है ना फ्रेंड्स। और एक थाली में मैंने समेट लिया। आप चाहें तो इस तरह से बनाकर आप एक साल के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तेल को हल्का गर्म किया है मैंने, मीडियम फ्लेम पे तेल है। और देखिए एक पापड़ डाले कि कैसे डबल तीवर आकार में बदली होते चला गया है, दिख रहा है आपको, एकदम आसान रेसिपी। आप इसको साल दो साल बना के रख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर ये दिख रहा है फ्रेंड्स, आप देखिए। बस मैंने एक बना लिया, तल लिया और एक और तल के आपको दिखाती हूँ। एक पीस मैंने डाल दिया, देखिए बीचों बीच छोटा सा पीस डाला है मैंने और पूरी कढ़ाई ये धीरे धीरे भर गई। अब इसको पलट लेंगे दूसरी तरफ भी और थोड़ा सा हल्का सा घुमा देंगे, ये बन गया। बस देखिए कितना सुंदर हमारा ये कुरमई पापड़ तैयार है, पोहे का चूरे का। तो बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, देखिए साइज तलने से पहले कैसी थी, तलने के बाद कैसी है। तो आप कब बनाने वाले हैं ये पापड़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, कहाँ से आप ये रेसिपी देख रहे हैं, घर में बनाइए या छत पे बनाइए, जैसे भी बनाइए, बनती बहुत अच्छी है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है फ्रेंड्स। तो देखिए ये पापड़ मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ फिर से, कितनी आसानी से टूट गई, बच्चे खाएं या बड़े खाएं, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। मैं फिर से आपसे बोलना चाहती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कहाँ से मेरी ये रेसिपी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स और कब बनाने वाले हैं। सुंदर लगा ना ये रेसिपी बहुत।